हेलो फ्रेंड, दिस इज जमन कुमार और आप देख रहे हैं स्मार्ट मंथ फॉर यू। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से क्रोम एक्सटेंशन को अगर रिमूव करना चाहते हैं तो किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके लैपटॉप या सिस्टम में ज़्यादा एक्सटेंशन हो जाता है या फिर वो एक्सटेंशन है जिसका आपको अब यूज नहीं है, मतलब कि अब यूज नहीं करना है, उसको यूज करना था तो आपने कर लिया लेकिन अब यूज नहीं है उसका, तो आप किस तरह से उसको रिमूव कर सकते हैं अपने क्रोम से। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर चलते हैं। जैसे कि मैं प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ था कि एक्सटेंशन होता क्या है, एक्सटेंशन को आप क्रोम में कैसे ऐड करते हैं, ठीक है, वो सारा मैंने प्रोसेस बताया हुआ था। अगर आपने नहीं पता तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो का, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा किस तरह से रिमूव करना है। तो सबसे पहले रिमूव करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपके क्रोम में आप एक्सटेंशंस को देखते कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने क्रोम को ओपन किया हुआ है, ये क्रोम मैंने ओपन किया हुआ है। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद ये सर्च बार है, सर्च बार के यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर आपकी ये आपकी एक्सटेंशंस दिख रही हैं, ये एक्सटेंशंस आपकी यहाँ पर दिख रही हैं। और फिर यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर आपके थ्री पॉइंट्स आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। ठीक है, थ्री पॉइंट्स, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको दिया हुआ है मोर टूल्स, मोर टूल्स का ऑप्शन यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। इस पर आपको क्लिक, आपको यहां पर क्लिक नहीं करना बल्कि माउस को रखेंगे तो यहां पर आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये आपका चौथा ऑप्शन मिल जाता है एक्सटेंशंस का। ठीक है, एक्सटेंशंस, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके लैपटॉप या सिस्टम में जितनी भी एक्सटेंशंस इंस्टॉल होंगी तो सारी आ जाएंगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये मेरे में तीन इंस्टॉल है, ग्रामरली फॉर क्रोम, टर्न ऑफ द लाइट और vidIQ, ठीक है, फॉर YouTube। ठीक है, ये क्रोम की एक्सटेंशन, ये YouTube के लिए है और ये भी YouTube के लिए है। तो जैसे कि मैं इसको अनइंस्टॉल करना चाहता हूँ या रिमूव करना चाहता हूँ तो किस तरह से कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है रिमूव कर, तो यहाँ पर आपको जिसको भी रिमूव करना है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि रिमूव का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ रिमूव टर्न ऑफ द लाइट्स, ठीक है, तो ये रिमूव पर आप क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका रिमूव हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके केवल दो बची हुए हैं, जो ये तीसरी एक्सटेंशन थी टर्न ऑफ द लाइट, ये रिमूव हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि रीइंस्टॉल नाउ, अगर फिर से करना है तो रीइंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से आप अपने क्रोम ब्राउजर में यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आइएगा थ्री पॉइंट्स पर, इस पर आपको क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पर मोर टूल्स पर, फिर आपको एक्सटेंशंस पर क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर आ जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके सिस्टम में या लैपटॉप में कितनी एक्सटेंशंस है, क्योंकि हम लोग मतलब पहले से बहुत सारा हम लोग डेटा यहाँ पर सर्च करते रहते हैं तो बीच में कभी एक्सटेंशन आता है, हम क्लिक कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंस्टॉल हो जाते हैं, हमको पता ही नहीं होता है। तो यहाँ पर एक बार आप देख लीजिएगा, अगर ज़्यादा एक्सटेंशन से आप उसको यूज नहीं करते तो इस तरह से आप रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको डेली कुछ नया सीखने को मिलता है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा जिससे कि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।